मुजफ्फरनगर सिकंदर के यहाँ करवाया था, और किसान साथियों देख ही सकते हो ट्रैक्टर बिल्कुल न्यू लग रहा है, तो बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अभी इससे पहले कोई ट्रैक्टर यही लेके आए थे आप? पहले स्कॉर्ट था हमारे पास। अच्छा स्कॉर्ट था, स्कॉर्ट के बाद आपने ये लिया, तो स्कॉर्ट बढ़िया था या ये बढ़िया था जी? ये ठीक है, ये बढ़िया है। तो इसका तेल का खर्चा कहते हैं कुछ किसान? तेल ज्यादा कुछ। अच्छा इसका ज्यादा कुछ तेल स्कॉर्ट के मुकाबले? स्कॉर्ट के मुकाबले। अच्छा स्कॉर्ट के मुकाबले ज्यादा। सादा मैसी है, तेल तो खा भी। अच्छा सादा मैसी है, तेल ज्यादा लेता है, और जो टैफे फैफे आते हैं उनका तेल का खर्चा कम, एवरेज कम, उनका एवरेज कम है। किसान साथियों अब जब कल्टीवेटर की जानकारी लेने का प्रयास करूंगा, ताऊ जी ये बताओ जो कल्टीवेटर लाए थे आप, ये कहाँ से लाए हो? इसकी नजीवाद से लाए थे। अच्छा नजीवाद से लेकर आए थे। किसान साथियों पहले मैं इसकी टाइम दिखा दूँ आपको, तीन इधर है और तीन इधर है और तीन। सभी किसान भाइयों को और मैं निकुंज राठी आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान चेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। किसान साथियों आज हम अपने जो हमारे जितेंद्र ताऊ जी हैं उनके पास आए हुए हैं, और ये अपना पेड़ी प्रबंधन कर रहे हैं। लगभग आप देख ही सकते हो बहुत ही शानदार इनका ये कल्टीवेटर है। जानकारी लेने का प्रयास करूँगा ताऊ जी से भी ये कहाँ से इसका लिख आए थे। और देखो ये सिंगल का आल रहे हैं अब की बार, ये अगर ये धूरा धूरा निकल जाएगा तो और बढ़िया बेहतरीन हो जाएगा, थोड़ा सा खतपतवार भी हो रही है, तो जानकारी लेने का प्रयास करूँगा। ट्रैक्टर बहुत ही पुराना ले रखा है हमारे ताऊ जी ने, बहुत ही ओल्ड ट्रैक्टर है, और अभी इन्होंने पेंट करवाया था इन्होंने इस ट्रैक्टर पर, तो बिल्कुल न्यू हो रहा है ट्रैक्टर, न्यू नया जैसा। किसान साथियों कल्टीवेटर की परफॉर्मेंस दिखाने का प्रयास करूँगा और आपको, और ताऊ जी से मिलवाऊँगा, ताऊ जी से भी जानकारी लूँगा कब इस पेड़ी की छुलाई की गई। देखो इसमें थोड़ा बहुत देखो ये रखो पाती हो गई, वैसे अपने पाती फूंक दी थी पर थोड़ा बहुत रह गई थी कहीं कहीं, तो देख ही सकते हो देखो बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहा है, देख ही सकते हो किसान साथी, और पेड़ी बड़ी शानदार हो रही है, बहुत अच्छी ट्रिलिंग कर रहा है गन्ना। देखो ताऊ जी से मिलवाने का प्रयास करूँगा आपको कुछ ही देर में, टाइम देखूँगा पहले मैं किसान साथी इसकी टाइम कितनी है, ये प्रयास करूँगा आपको दिखाने का भी। ये देखो ट्रिलिंग बहुत अच्छी कर रही है, बहुत ही शानदार ट्रिलिंग कर रहा है किसान साथी, परफॉर्मेंस दिखाने का प्रयास करूँगा। और आपको इसमें तीन और तीन छः तीन नौ टाइन है, इसमें नौ टाइन है, कल्टीवेटर की फाली है इसमें किसान साथियों, मैंने देख लिया कल्टीवेटर की फाली है, और बहुत ही शानदार देखो इन्होंने इसकी जो टाइन है कितनी मजबूत है, ये हैवी टाइन है, ये देखो खाने का प्रयास कर रहा हूँ आप। अगर ये इसमें धूरा धूरा निकल जाएगा तो और शानदार हो जाएगा, अभी तो ये एक ही बार काल रहे हैं, अभी किसी खोल में देखो पाती कितनी हो रही है, ये धोरे पर पाती ज़्यादा है, इधर खाना पड़ता है इसमें पाती में, ये देखो अब ये गोल में लगाएंगे किसी, तो उधर छाँव में रुकवा के जानकारी लेने का प्रयास करूँगा ताऊ जी से, ये बैक करेंगे थोड़ा सा। मैसी फर्गुसन 35 बहुत ही पुराना ट्रैक्टर है और ऐसा लग रहा है बिल्कुल नया, शानदार देख सकते हो परफॉर्मेंस दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। ये देखो देखो थोड़ी सी जहाँ जहाँ इसमें थोड़ी सी घास हो रही है या पाती हो रही है उसमें दिक्कत आ रही है, यानी बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहा है देख सकते हो आप, बहुत बढ़िया कार्यवाही कर रहा है। अट्ठाईस इंची की चौड़ाई है किसान साथियों इसकी, जानकारी देती हूँ आपको 28 इंची की चौड़ाई है इसकी, ज़्यादातर खेती ताऊ जी हमारे 28 इंची ही करते हैं, और अपने इस ट्रैक्टर से सब खेती अपने ट्रैक्टर से इसी से ही करते हैं ये। मैं ये भी जानकारी लेने का प्रयास करूँगा ताऊ जी से, ये जो ये कल्टीवेटर थे ये कहाँ से लाए थे, या इसमें इनके पास ये टीलर था या चेंज करवाया, इसको मैं ये जानकारी लेने का प्रयास करूँगा ताऊ जी से, अभी मिलवाऊंगा थोड़ी ही देर में। देखो इधर की साइड किसान साथी थोड़े से पोके छोड़ दिए थे, ये मुझे लगता है देखो इधर कितने शानदार पेटी हो रही है, बहुत ही शानदार पेटी हो रही है, और इधर देखो इधर भी ठीक ठाक है। देखो ताऊ जी पीछे को बिल्कुल नहीं देख रहा है, आपको बस ट्रैक्टर का ध्यान रख रहा है अपना, ऐसे खुल में डाल दिया बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है,
अगर ये दूरा दूरा निकल जाएगा तो ये खरपतवार भी नहीं रहेगी इसकी। देखो ये आंतरे थोड़ा बहुत तो छोड़ देगा, थोड़ा बहुत ही रखेगा आंतरे, ज़्यादा नहीं रखेगा। देखो ट्रैक्टर को आ दिया है ताऊ जी का, और ताऊ जी से जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। राम और ताऊ जी ठीक ठाक हो? हाँ ठीक हूँ। किसान साथी ताऊ जी से बड़े दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है। ये बताओ ताऊ जी, सबसे पहले तो अपना जो हमारे किसान भाई हैं जो आपको किसान साथी देख रहे हैं, अपना परिचय दो। आपका शुभ नाम ताऊ जी? जितेंद्र सिंह गामड़ी। अच्छा, आपके गाँव का नाम गामड़ी है और आपका नाम जितेंद्र सिंह। हाँ। अच्छा, तो ये बताओ ताऊ जी, सबसे पहले ट्रैक्टर की जानकारी दो। आपका ये ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है? 97 मॉडल। अच्छा, 1997 मॉडल। किसान साथी देख ही सकते हो ट्रैक्टर की, और ये तो ताऊ जी बिल्कुल नया सा लग रहा है। 97 ऐसा कुछ जिसमें पेंट पेंट तो नहीं करवाया? हाँ, ये कराया मुजफ्फरनगर करा के लाए थे। अच्छा, मुजफ्फरनगर सारे काम कराया था मुजफ्फरनगर। अच्छा, सारा काम करवाया था। हाँ। तो मुजफ्फरनगर किसके यहाँ करवा के लाए थे? वो है तो किसके यहाँ कराया था ताऊ जी? सिकंदर के यहाँ मुजफ्फरनगर। अच्छा, मुजफ्फरनगर सिकंदर के यहाँ करवाया था। और किसान साथियों देख ही सकते हो ट्रैक्टर बिल्कुल न्यू लग रहा है, तो बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अभी इससे पहले कोई ट्रैक्टर यही लेके आए थे आप? पहले स्कॉर्ट था हमारे पास। अच्छा, स्कॉर्ट था, स्कॉर्ट के बाद आपने ये लिया। हाँ। तो स्कॉर्ट बढ़िया था या ये बढ़िया था जी? ये ठीक है सर, ये बढ़िया है। हाँ। तो इसका तेल का खर्चा कहते हैं कुछ किसान? तेल, हाँ, तेल ज्यादा कुछ। अच्छा। हाँ। इसका ज्यादा कुछ तेल? हाँ। स्कॉर्ट के मुकाबले? स्कॉर्ट के मुकाबले। अच्छा, स्कॉर्ट के मुकाबले ज्यादा। तेल तो खा भी सादा मैसी है, तेल ज्यादा लेता है। और जो टैफी पैफे आते हैं उनका तेल का खर्चा एवरेज कम, उनका एवरेज कम है। किसान साथियों अब जब कल्टीवेटर की जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। ताऊ जी ये बताओ, जो कल्टीवेटर लाए थे आप, ये कहाँ से लाए हो? इसकी नजीवाद से लाए थे। अच्छा, नजीवाद से लेकर आए थे। किसान साथियों पहले मैं इसकी टाइम दिखा दूँ आपको, तीन इधर है और तीन इधर है और तीन ही। ये टीलर का काम भी करता है ताऊ जी फिर तो? हाँ, जैसे जैसे इसमें छेद हो रहा है ये। हाँ, हाँ। तो टीलर का कार्य भी काम करेगा, गन्ना बिधाने का काम भी, गन्ना बिधाने का काम भी। तो ये कितने का मिला ताऊ जी? ये मिला 16,000 का। अच्छा, 16,000 का। तो कहाँ से नजीवाद से लेकर? नजीवाद से लाए थे, जगदीश। जगदीश मिस्त्री साहब के यहाँ से लेकर आए थे। अच्छा, तो ये बताओ जी, जैसे आप ये लेकर आए हैं तो इसमें अगर फाली लगाई जाए इधर साइडों में इधर इधर, तो ये तो टीलर का काम भी बढ़िया करेगा? काम भी करता, बढ़िया करेगा। हाँ, बढ़िया बढ़िया करेगा। किसान साथियों अब ये विधा रहे हैं, तो ताऊ जी ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर में आपका? ये 35 हॉर्स पावर है। तीन सिलेंडर 12-4-28 के पिछले टायर है। किसान साथियों इसमें देख ही सकते हो बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है। और सब खेती इससे करते ताऊ जी आप? सारी इससे कर देता काम पार? हाँ, बढ़िया बढ़िया कर रहा। चलो बहुत अच्छी बात है किसान साथियों, ताऊ जी का इतना बढ़िया कल्टीवेटर निकाल रहे हैं। चलो ताऊ जी स्टार्ट करो और चला आओ ट्रैक्टर को अभी अपने। किसान साथियों क्या शानदार आवाज़ है देखो ट्रैक्टर की, और चला दिया है ताऊ जी ने। ये देखो अब जा इनका, और थोड़ा सा मैं इसकी परफॉर्मेंस दिखाने का प्रयास करूँगा आपको, थोड़ी सी और दिखाऊंगा आपको। ताऊ जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी, निजवास से लेकर आए थे किसान साथी ये कल्टीवेटर। ये देखो जी थोड़ी बहुत टूट जाती है, टूटती नहीं, देखो ये टूट जाती है, पर कोई दिक्कत नहीं है, चलो निकल जाती है जो टूट जाती है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकाल रहा है किसान साथी, देखो देखो जमीन में थोड़ी सी नमी हो रही है, देखो अभी नमी है अभी जमीन में, धरती में नमी हो रही है। देखो किसान साथियों ताऊ जी के पास 70-75 बीघे जमीन है, लगभग 70 से ऊपर ही है, तो इसी से ही कर रहे हैं सब खेती। देखो कितनी अच्छी बात है, मैसी फर्गुसन 35। ताऊ जी से एक जानकारी हो लेते, ताऊ जी एक जो आप पेडी का प्रबंधन कर रहे हैं आज, ये कौन सी वैरायटी? 0238। अच्छा, 0238। जैसा कोई जी डोज पोज लगाई गई है इसमें? अभी कुछ नहीं लगाया। कुछ नहीं लगाया, जैसा कि अक्की बार जैसा उसमें 0238 में रोग बहुत आया, क्या आपके बनने में भी आया था रोग थोड़ा बहुत? ना हमारे बताया नहीं, हम लोग कुछ दवाई भी लगाई भी। अच्छा, दवाई भी लगाते, कम ही ज़्यादा यूज करते हैं दवाई का। तो ये कब छुलाई करी थी ताऊ जी? अप्रैल के पहले हफ्ते में। अप्रैल के पहले हफ्ते में। किसान साथियों इतनी अच्छी जानकारी दी ताऊ जी ने, और इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ताऊ जी राम राम। चलो ताऊ जी ट्रैक्टर स्टार्ट करो, कार्य काम करो अपना, ज़्यादा किसी का किसान साथियों समय बर्बाद नहीं करते। चलो किसान साथियों परफॉर्मेंस आप देख सकते हो ट्रैक्टर की, एक बार और दिखाने का प्रयास करूँगा आपको, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो किसान साथियों वीडियो को विराम देना चाहूँगा अब जा। किसान साथियों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।